कि श्रीराम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्रीराम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्रीराम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है और श्रीराम के नाम का सौदा कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, क्या बोल के बम तो वहाँ फोड़े जा रहे हैं। वही कांग्रेस से है कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं राम मंदिर की, आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को आप अपना बता रहे हैं, पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28-28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम की रेट की बात करते हैं लेकिन आपने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप रेट की बात कैसे कर सकते हैं जब आपने राम को काल्पनिक माना है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक मजेदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, आप लोगों के पास रिक्वेस्ट है वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों 22 जनवरी 2024 में राम मंदिर की उद्घाटन होने वाले हैं। इसी राम मंदिर को लेकर इस देश का मुसलमान वामपंथी और कांग्रेसियों क्या सोचते है वो सुनकर हो सकता है आपका बहुत गुस्सा आ जाए, और ऑडियंस भी इन लोगों को आज अच्छे से धोया है। चलिए देखते हैं इस देश का वामपंथी कांग्रेसी और मुसलमानों क्या सोचते हैं राम मंदिर के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो शादाब चौहान, रामलला का मंदिर बन रहा है और नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपाकर ढककर नहीं करा, ऐलानिया करा बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बार ही नहीं कई बार रहा, ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छुपा रही थी कि हम रामलला के, ये तो पता ही था कि बीजेपी की सरकार अगर फुल मेजोरिटी से आएगी तो 370 भी हटेगा चाहे कोई कितनी छाती पीट ले, राम मंदिर भी कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा कोई कितना भी रोगा ले, तो फिर अब आपत्ति क्यों है? देखिए बीजेपी तो क्लियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जब मूर्ति रखी गई और FIR में लिखा गया कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई 1949 में, वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने, दहशतगर्दों ने शहीद किया वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और आखिरी बात मैं ये बात कहूंगा, ये बार बार क्लेम करते कि हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था क्या आपके दबाव में था? आप ये कहना चाहते हैं क्या तरुण गोगोई साहब को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें आस्था के आधार पर फैसला दिया, न्याय के आधार पर नहीं दिया इसलिए उनको गिफ्ट किया गया, क्या आप ये क्लेम करना चाहते हैं? तीसरी चीज क्या था? तीसरी चीज तो न्याय क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं, न्याय यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला, कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, टेन सेकंड, कोई प्रमाण नहीं मिला कि 12वीं सदी से 16वीं सदी तक वहां तक क्या था, जब प्रमाण नहीं था लेकिन मुसलमानों को जमीन वहां दे दी गई, जब मुसलमानों की या तो कहिए नहीं थी, अगर थी तो अल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड करी गई, यह साबित करता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया। इसीलिए हम लोग इलाहाबाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या क्या फैसला? तीनों पार्ट्स में मेन चबूतरा किसको दिया था? मेन चबूतरा किसको दिया था? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए, मेन चबूतरा किसको दिया था? तो फिर तब किसका दबाव था? सुप्रीम कोर्ट गए ना सर, सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 10 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका, और 500 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका। आज तक सुनिए तो कैसे तो बदलेगा? श्री राम से ज्यादा जितना प्रेम मैं कर सकता हूँ शायद आचार्य जी इसलिए नहीं कर सकते। मस्त जोक मारा रे। उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि ब्राह्मण का वध किया था, और परशुराम जी से भी क्या मसला था? क्योंकि हमेशा कभी ब्राह्मण नहीं चाहता है कि क्षत्रियो का राज काम हो, इसीलिए क्षत्रियो को प्रधानमंत्री नहीं बनाया। कंफ्यूजन डाल दिया आपने, बनाया पूरा कार्यकाल। आपका प्रेम क्यों, आप भगवान राम से प्रेम, आपसे ज्यादा कोई क्यों नहीं कर सकता? कारण, मतलब कारण यह है कि श्री राम का और हमारा पारिवारिक रिश्ता, आस्था आपकी हो सकती है आपका सम्मान है लेकिन मेरा रिश्ता पारिवारिक। बदल क्यों गए फिर? कहां बदले हैं? मैं परिवार को मान रहा हूं, आस्था आप, तो भगवान राम, लेकिन भगवान राम तो रघुवंशी थे, तो आप कहां तो बोल रहा हूं, आप कहां है दूसरे वंश में तो बोल रहा हूं। सही बात है कि श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्री राम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है और श्री राम के नाम का सौदा कर रहे हैं लोग। रुक तेरे को बता देती तो ये है कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, क्या बोल के उसका करके गए हैं, बम तो वहां फोड़े जा रहे हैं। हमास छोड़िए दादा, बहुत दूर है, हम ये कह रहे हैं कन्हैया का राजस्थान में क्या बोलकर किया गया, ये तो राजस्थान नजदीकी है। किसी ने फिर ये बात है तो खैर हम, अरे भाई साहब आप बात क्या कर रहे हैं, आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो इतना मात्र कहना चाहता हूं, ठीक है आपकी अपनी इच्छा शुभेच्छा है, मगर इस देश की आस्था को अब शब्द बोलने का इजाजत किसी को नहीं है। और इजाजत क्यों मिलता आप लोग जानते हैं? इसलिए मिलता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है। बात तो सही है। कांग्रेस से है
कि आप क्रेडिट लेना चाह रहे हैं राम मंदिर, कि आप राम मंदिर के नाम पे क्रेडिट लेना चाह रहे हैं और आप रामलला को अब अपना बता रहे हैं, पर जब राम मंदिर का केस चल रहा था तब आपने 20-20, 28-28 लॉयर हायर किए थे कि राम मंदिर ना बन पाए, तब रामलला आपके नहीं थे। गुड क्वेश्चन। पब्लिक को कैसे चुप कराएंगे बताइए विवेक जी, कैसे क्रेडिट मिल जाएगा कांग्रेस को? मैं फिर यही कहूंगा, कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है, कोर्ट का एक डिसीजन था। ये हमारा जो देश है ये बहुत डाइवर्स है, अनेकों जातियां अनेकों धर्म, डिस्प्यूट्स थे डिस्प्यूट्स आते रहेंगे, हमारी एक व्यवस्था है, हमारा मीडिया है, हमारे कोर्ट्स हैं, हमारी एग्जीक्यूटिव है। लोग 10 सेकंड हाँ। मैं फिर एक्सपोज ही करूंगा, मैंने बोला ना आज लड़ूंगा नहीं, फिर एक्सपोज करूंगा। इन्होंने कहा जब बात हुई कि गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए, उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की, इन्होंने कहा ये संविधान बदलना चाहते हैं, संविधान बदलना चाहते हैं। एक बार बताइए कोर्ट में किसकी शपथ ली जाती है कि मैं जो कुछ कहूंगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, तो गीता संविधान का हिस्सा नहीं है? नहीं नहीं, तो और वो राष्ट्रीय ग्रंथ हो गया तो संविधान बदल तो जाएगा? ये इनकी सोच। विपक्ष से सवाल है मेरा कि आप अभी तो राम की क्रेडिट की बात करते हैं, लेकिन आप ही ने 2008 में सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि राम काल्पनिक है, तो आज आप क्रेडिट की बात कैसे कर सकते जब आपने राम को काल्पनिक माना है? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कांग्रेस ये जो कोर्ट वाला था, हालांकि आप कांग्रेस के नहीं है, लेकिन कांग्रेस को कैसे क्रेडिट मिल जाएगा? आप खुद जानते हैं कांग्रेस ने क्या क्या कर्म करे हैं। मैं तो कई बार कह चुका हूं कि कांग्रेस का हाल ये हो चुका कि ना वो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे हैं, सारा पूरा जो प्रक्रिया है वो कांग्रेस के दौर में हुआ। अगर बाबरी मस्जिद को गुंडे शहीद ना करते, मूर्ति ना रखी जाती, तो सुप्रीम कोर्ट बाबरी मस्जिद के चक्कर में पड़े हैं, संकल हो गई है जमीन। नहीं 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 सर, अब रामलला विराजमान हो रहे हैं। सुन लीजिए, काम को सुन लीजिए, हम अपनी जनरेशंस को बताएंगे, सुनिए, हम जनरेशंस को बताएंगे, अपनी आने वाली नस्लों को बताएंगे कि बाबरी मस्जिद थी और हमारे लिए हमेशा ता कयामत तक बाबरी मस्जिद रहेगी, ये मेरा बिलीफ है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आपकी आस्था, आप कुछ भी करिए, लेकिन मेरे लिए मस्जिद पर अभी आप कह रहे हैं हम संविधान को मानते हैं, और अभी आप कह रहे हैं मुझे हमारे लिए तो कोर्ट के निर्णय के बाद भी वो बाबरी मस्जिद रहेगी, यही आपको एक्सपोज कर देता है। नहीं तो फिर संविधान ने इसी संविधान ने दूसरी जगह दी है तो उसको मारिए मस्जिद, तो रामलला के मंदिर को आप मस्जिद क्यों मारेंगे? यानी आने वाली लश्करों को भी भड़काएंगे। और नहीं तो क्या, आज जब राम मंदिर बन रहा है तो उस पर इतनी उंगलियां उठ क्यों रही है? अगर राम मंदिर इतने सालों बाद बन गया है तो क्या तकलीफ है उसमें? और अगर आप कहते हैं कि दलित को राम मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाएगा, आप संविधान की बात करते हैं, संविधान लिखने वाले भी एक दलित थे, और अब जब आप ये कैसे कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं जाएंगे राम मंदिर में, कैसे कहा? जी जवाब रशीदी साहब, यही सबसे बड़ा दुख है कि जिस दलित ने हिंदुस्तान को संविधान दिया, आज उसी दलित के मानने वाले लोगों को इस तरह से कुचला जा रहा है। अच्छा, और इस तरह से उनको मंदिर में एंट्री देने की बात नहीं की जा रही है, इवन राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है, राष्ट्रपति जी को रोक दिया जाता है। आप झूठ सुन रहे हैं अमीर जी, राष्ट्रपति जी को बोल रहा था कि नहीं लड़ूंगा, लेकिन ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं है? झूठ ही होता है। इस देश में किस दलित को मंदिर में घुसने की अनुमति नहीं? बार बार झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी बात को सही तरीके से रखिए, ये माननीय राष्ट्रपति की बात है, इसलिए मेरा निवेदन है राम मंदिर बार बार झूठ बोलना बिल्कुल नहीं है। हमारी राम मंदिर में बुलाएंगे बिल्कुल नहीं है, ये झूठ है। हमारी धार्मिक प्रतिष्ठानों पे टिप्पणी करने का इन्हें अधिकार नहीं है। रोका की बात हुई, राम और लक्ष्मण की बात हुई राम और लक्ष्मण की, तो भारत जैसे मुल्क ने, भारत जैसे देश ने, भारत वर्ष ने चार भाई देखे, एक राम लक्ष्मण और भरत देखे, एक दारा शिकोह और औरंगजेब देखे, औरंगजेब और उसके भाई देखे। एक भाई ने अपने भाई का सिर काट के अपने पिता को गिफ्ट भेज दिया जेल के अंदर, और दूसरी तरफ भरत ने खड़ाऊ रखकर अपने भाई की राज करा। तो हम अपने घर में कौन चाहते हैं, राम भरत और लक्ष्मण चाहते हैं या औरंगजेब चाहते हैं, यह निर्णय हमें खुद करना है अपने अपने घरों के अंदर। कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, निर्णय वो खुद करे कि उसे अपने घर में अपने बच्चे कैसे चाहिए, राम लक्ष्मण भरत जैसे चाहिए या औरंगजेब जैसे चाहिए, निर्णय मैं आप पे छोड़ता हूं, मैं सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। ओके दोस्तों, वीडियो अंत तक देखी तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड वीडियो के बारे में आपका क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।